जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधान्यता रही है, ये आपके लिए बताना है। 196वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपके लिए बता दें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ से जल्दी से सभी लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, वहीं पर आपके लिए लिंक जो है दे दी जाती है लाइव क्लास की। और 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो तो मात्र 199 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधान्यता रही है ये पूछा गया है, तो आपका सही आंसर है रासो। देखिएगा, आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधान्यता रही है। इसी इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नाम आदिकाल रखा है। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है, खुमाण रासो है, विशल देव रासो है, परमाल रासो है, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रासो ग्रंथ माने जाते हैं। 197 में बताने हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सेना सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। वह कृति आपके लिए चयन करना है, कौन सी कृति है बताइए। हम्मीर काव्य है, कीर्ति कुमुदी है, कीर्ति पताका है, कीर्ति लता है। 197 में आप सभी को चयन करना है, तो कीर्ति लता विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है बताइएगा, श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। 198 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। रूबी जी, राहुल जी, तन्मय जी, अनिल जी, विशल देव रासो है, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो सही आंसर है गेय शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। गेय आपका यहाँ पर सही आंसर है, नरपति नाल्य जी का ये रासो ग्रंथ माना जाता है। और इसमें जो है परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विशल देव तृतीय थे, और अन्य रासो काव्यों की बात ही विशल देव रासो वीर काव्य ना होकर बृह काव्य है, जिसका मूल रूप क्या है, गेय काव्य है। जयमयंक जसचंद्रिका की रचयिता का नाम बताना है। 199 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, भट्ट केदार है, नरपति नाल्य है, नल्ल से है, मधुकर है। 199 में आपका क्या होगा सही आंसर, जयमयंक जसचंद्रिका की रचयिता का नाम बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, विकल्प नंबर डी सही आंसर है, मधुकर कवि। मधुकर कवि की ये प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जयमयंक जसचंद्रिका, जबकि नरपति नाल्य जी की रचना विशल देव मानी जाती है, तो विजयपाल जो है विजयपाल रासो ये नल्ल सें की रचना मानी जाती है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर रासो ग्रंथ दिए गए, उनके रचनाकार दिए गए हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए। इन कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है तनु जी, तो चलिए एक बार कूट देख लें, ये आपके कूट हैं और सम्मिलित कर देते हैं। विशल देव रासो के रचनाकार कौन हो जाएंगे, नरपति नाल्य। कौन, नरपति नाल्य। पृथ्वीराज रासो के चंदवरदाई, परमाल रासो के जगनिक, उखुमाण रासो के दलपति विजय, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। तो आपका कूट में विकल्प नंबर जो सही आंसर है वह बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 201, यहाँ पर दिया गया भविष्यत काल के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत है, स्वयंभू है, धनपाल है, सरयपा है। 201 का सही आंसर चयन कीजिएगा, भविष्यत काल के रचनाकार कौन माने जाते हैं राजीव जी, और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर ये धनपाल की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। भविष्यत का हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पयुम चरियो, रिट्ठनेमी चरियो और स्वयंभू छंद, अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की तीन महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं।
और महाप्राण तो सभी के लिए पता है, पुष्पदंती की रचना है, द्वापो सरयपा की रचना है। और यहाँ पर 202 में बताना है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। 202 में क्या होगा सही आंसर? कल भी अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था नीताजी प्रिया जी, कि जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तिरहुत के राजा शासक थे, कौन शिवसेन के आश्रय में रहते थे, और इन्होंने जो है 16 ग्रंथों की रचना की है। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, 16 ग्रंथों की रचना की है, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो कि पूछी ही जाती महत्वपूर्ण रचनाएं। श्रृंगार काव्य आपके लिए बताना है, वीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयमंग जसचंद्रिका है, तो तीन में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा माना जाता है श्रृंगार काव्य। 203 में आपको बताना है। अब टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम पर इसी पर लिंक आएगी आपकी लाइव क्लास की, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में हमें मैसेज करें, हम उनके लिए ऐड कर देंगे। यहाँ पर वीसलदेव रासो जो है ये श्रृंगार काव्य माना जाता है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। परमाल रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना मानी जाती है परमाल रासो। और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर द्वारा प्रेरणित आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाय जी का प्रबंध काव्य माना जाता है। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? नहीं बताना है, चयन करना है सभी के लिए, चयन करिएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर? महाप्राण, अणय कुमार चरयू, जसहर चरयू, पयूम चरयू। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पर दिया गया है, और 4 में आप सभी का सही आंसर है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, पयूम चरयू। गोलू जी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, इस पर क्लिक करें तो टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा और वहां से ज्वाइन कर लें। और नहीं हो पा रहे तो टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर दें। पयूम चरयू रचना जो है स्वयंभू की मानी जाती है, और बाकी की रचना तो यहाँ पर पुष्पदंती की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 5 पूछा है, सरयपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। 205 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर। जो सरयपा जी हैं इनका संबंध बता दीजिएगा किससे माना जाता है, बताइए। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सिद्ध साहित्य, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 6 क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, ये आपके लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। शिलांकित कृति आप सभी के लिए चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर अपन ने कल बिल्कुल 205 तक पढ़ लिए थे, अब 206 से आज जो है यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डबल हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। अब चलिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शिलांकित कृति की बात करें तो यहाँ पर राहुल बेल जो है बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, राहुल बेल आपका सही आंसर है। बताइएगा शालिवत्र सूरी की रचना का नाम बताना है कौन सी मानी जाती है, क्या होगा सही आंसर? बताइएगा शालिवत्र सूरी की रचना माना कौन सी मानी जाती है, ये आपके लिए चयन करना है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 7 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है शालिवत्र सूरी की रचना मानी जाती है। 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जानी जाती थी? अब ये जो है नए क्वेश्चन आ गए हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 208 में, 208 में आपके लिए चयन करना है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। 208 का सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, तूतीय हिंद आप सभी का सही आंसर है। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे, इनका जन्म एटा जिले के पटियाला नामक गांव में हुआ था। इनके पिता के पिताजी का जो नाम था वह सैफुद्दीन महमूद था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तूतीय हिंद हिंदुस्तान की तूती से नाम के इनके नाम से ये जो है जाने जाते हैं। यहाँ पर ये और भी दोनों आपके यहाँ पर सही होंगे, तूतीय
तूत ये हिंद भी दिया रहता है और तोता ये हिंद भी आपका जो है दिया रहता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा क्या है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं ये चयन करना है, जिनदत्त सूरी ने, जिन धर्म सूरी ने, शालिभद्र सूरी ने या धनपाल ने। 209 में आपको चयन करना है और 209 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं तो जिनदत्त सूरी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जिनदत्त सूरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य माना जाता है, जबकि भविष्य का तो सभी के लिए पता है धनपाल की रचनाएं, स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है बताइएगा। 10 का सही आंसर चयन करना है बताइए, चयन कीजिएगा राखी जी। क्वेश्चन नंबर 10 में किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? स्वयंभू को। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। बिल्कुल सही, रामकुमार वर्मा जो है इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। स्वयंभू ने 3 रचनाएं लिखी हैं, स्वयंभू पयोमचर्यु, रट्टलैमीचर्यु और स्वयंभू छंदस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 11 में क्या होगा सही आंसर एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं अपनी इस क्लास से। और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं बताइए। देखिएगा आपका सही आंसर क्या होगा, कवि शेखर, कवि कंठ आर्य, नव कवि शेखर, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, ये जो है बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, किनको? विद्यापति को। विकल्प नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, विद्यापति जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ 12 में आप सभी को चयन करना है और 12 में आप सभी का लवली ठाकुर जी, पायल रानी जी सही आंसर होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। व्याकरण ग्रंथ पूछा है, 12वीं शताब्दी में रचित एक ग्रंथ है और दामोदर शर्मा जो है उन्हीं के द्वारा रचित एक ग्रंथ माना जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है, किसमें? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइएगा, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, दामोदर पंडित हैं, कवि आसुगु हैं, रोडा कवि हैं, मेरुतुंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं तो मेरुतुंग यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आगम बे पुराणे पंडित मान वहंती, पक्के श्रीफल अली आजम बाहे रित भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? सरयपा, कंडपा, डोम्बिपा, कोक्किरिपा। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंडपा यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कंडपा की पंक्तियां मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर 15 पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि रचना काल की दृष्टि से आपके लिए निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है, क्या होगा सही आंसर प्रिया जी बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर। सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, 7वीं 8वीं शताब्दी स्वयंभू, और इनके बाद आएंगे कौन? पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अद्यमान माने जाते हैं 12वीं शताब्दी के, और हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, डिंगल कवियों को वीर कथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणिया, कृष्ण भक्त या रामानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों की रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं, यह कथन किसका है। ये कथन आपसे पूछा गया है सोनिका जी, रीमा जी, नामवीर जी, तो आप सभी का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्हीं का कथन माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही आंसर है। कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। यूजीसी नेट जैसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्पष्ट जो स्फुट होता है उसे कहा जाता है नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि, तो इसको नाद कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाद कहते हैं, नाद और बिंदु जो है संज्ञाएं वज्रांग सिद्धों में बराबर चलती रही, गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है, नाद और बिंदु की योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुमेलित करना है रचनाओं को रचनाकारों के अनुसार, यहाँ पर किसकी रचना कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पर कूट भी देगा, एक बार कूट पर नजर डाल लेते हैं, ये आपके कूट हैं, और चलिए सुमेलित कर देते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो पता ही होगा आप सभी के लिए, प्रबंध चिंतामणि रचना मानी जाती है किनकी, जैनाचार्य मेरुतुंग जी की। रणमल्ल छंद किनकी रचना मानी जाती है, रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना मानी जाती है। जयचंद प्रकाश किनकी तो भट्ट केदार की रचना मानी जाती है। जय मंक जसचंद्रिका ये रचना मानी जाती है, मधुकर कवि, मधुकर कवि की रचना है जय मंक जसचंद्रिका। दामोदर कवि की एक रचना है कौन सी, दामोदर कवि जो है इन्होंने लखन सेन पद्मावती की रचना करी थी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका कूट की बात करें तो विकल्प नंबर ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना मानी जाती है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक क्लास लाइक अवश्य कर ले अपनी इस क्लास को। और पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना मानी जाती है, तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि विद्यापति, विद्यापति आपका सही आंसर है। विद्यापति जो है इनकी संस्कृत में भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे शैव सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक, वर्ण कृत इत्यादि इनकी संस्कृत की रचना। भट्ट में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका, मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय लिखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, डॉक्टर वुलर, तो सही आंसर है यहाँ पर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला सही आंसर होगा। ये प्रमाणिक मानती है, बात कर ले प्रमाणिक कौन कौन मानता है पृथ्वीराज रासो को, तो प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। अप्रमाणिक कौन मानता है, आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। अर्ध प्रमाणिक मुनि जन विजय मानते हैं, मोहन सह मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इरा क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं को सुमिलित करना है, चलिए इन रचनाओं को सुमिलित कर देते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की मानी जाती है। यहाँ पर कूट भी दिए गए, एक बार कूट देख लें, ये कूट की सहायता से आपको सुमिलित करना है। रावल बेल के रचनाकार कौन माने जाते हैं,
ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो राहुल बेल रोडा कवि की रचना मानी जाती है, तो यहाँ पर रोडा कवि ये है। कुमार रासु किन की रचना मानी जाती है, दलपति विजय की रचना मानी जाती है, तो ये है दलपति विजय। चंदन वाला रास आसगू कवि की रचना यहाँ पर है, आसगू कवि। योगचर्या के रचनाकार माने जाते हैं कौन, योगचर्या ये डोम्बिपा की रचना है, तो यहाँ पर है डोम्बिपा। तो इस प्रकार सम्मिलित किए गए हैं, कूट में आपका बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, कीर्ति लता की भाषा क्या है, तो ये तो अब भी पढ़ा था पन्ने, अवट्ठ भाषा है इसकी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आदिकाल में किस कवि ने अवट्ठ भाषा में रचना की है, बताइएगा। आदिकाल में पूछा क्या है, 23वां क्वेश्चन है, बताइए 23 में। 23 का सही आंसर चयन करना है, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तो अनिल जी, 20 में ये पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ कौन नहीं मानता, तो वहां पर अप्रमाणिक नहीं मानते मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी, विकल्प नंबर बी सही आंसर है, वह मानते हैं प्रमाणिक। तो यहाँ पर आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है, तो अब्दुल रहमान आपका सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से पूछा है, 24वां क्वेश्चन है कि आदिकाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, भाई कौन सा नाम है, वीरगाथा काल है, आधुनिक काल है, छायावादी काल है, या फिर प्रगतिवादी काल है। 24 में सही आंसर चयन करना है, आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम आप सभी के लिए चयन करना है, अंजलि जी, अर्चना जी। तो आप सभी का सही आंसर है वीरगाथा काल, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और भी विद्वान है जिन्होंने आदिकाल को अनेक नामकरण दिए, जैसे चारण काल का है गिरीशन जी ने, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, तो वही मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, और जो राहुल सांकृत्या इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है, तो बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइएगा, कौन सा कालक्रम सही है बताइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है कवि दिए गए हैं, और इनका सही क्रम बताना है, कौन सा आपका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 25 में आपका सी सही आंसर है। सबसे पहले तो आ जाएंगे कौन, गोरख सॉरी सरयपा आ जाएंगे, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ, सूरी, इनका यहाँ पर देख लेते हैं, समय देख लेते हैं। सरयपा का समय जो माना जाता है, वह माना जाता है 769 ईस्वी, यानी कि ये माना है कि इन्होंने राहुल सांकृत्यन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर गोरखनाथ 845, ये भी राहुल सांकृत्यन के अनुसार, हेमचंद्र 1088, 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं, सोमप्रभ सूरी ये 12वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। आला किस ऋतु में गाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइए आला जो है किस ऋतु में गाया जाता है, और ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, यानी कि वर्षा ऋतु में। रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कवि जो जगनिक हैं, इन्होंने रचा, इनके द्वारा रचित है परमाल रासो। परमाल रासो जो है इसको आला खंड के नाम से जाना जाता है, 1230 ईस्वी इसका रचना काल है। एक वीर गीत काव्य है, या वीर काव्य जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इन रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं, कौन सी रचना किसकी है मानी जाती है, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। खुमाण रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर ये तो दलपति विजय की रचना है, कौन सी, खुमाण रासो। बात करें परमाल रासो की, ये जगनिक जी की रचना मानी जाती है परमाल रासो। बात करें यहाँ पर बीसल देव रासो की, तो बीसल देव रासो जो है नरपति नाल्य की रचना, सॉरी बीसल देव रासो, हाँ नरपति नाल्य की रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद वरदाई की रचना मानी जाती है।
विकल्प ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, अगला 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, बौद्ध सिद्ध जैन मुनि संत कवि या फिर रासक परंपरा के कवि। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग सही आंसर चयन करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन कर रहे हैं। और किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, तो बौद्ध सिद्ध आपका सही आंसर होगा। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया है, अतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। ये अपन व्याख्या इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आयोग जो है अब थोड़ी सा अलग से क्वेश्चन पूछने लगा है, तो अपन विस्तृत पढ़ लेते हैं, तो वो विस्तृत में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए अपनी जो व्याख्या रहती है तो वह भी अपन यहाँ पर उसको देखते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 29, देखिएगा 29वां क्वेश्चन है, लवली जी बहुत बढ़िया। रचनाकारों को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं, या कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। तो विजयपाल रासो की सॉरी इनकी भाषा पूछा गया है यहाँ पर, तो भाषा क्या मानी जाती है, विजयपाल रासो नल्ल सह की रचना है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। चर्या गीत को सरेपा की रचना, ये संधा भाषा में रचित है। बात करें कीर्तिलता की, विद्यापति की रचना भट्ट, कीर्तिलता की भाषा क्या मानी जाती है, ये पूछा है। कीर्तिलता की भाषा तो अवट्ट मानी जाती है। और खुसरो की पहेलियां जो है ये हिंदी भी में मानी जाती है, कीर्तिलता की भाषा अवट्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर कूट में आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न में दिए गए कूट असंगत हैं क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता भट्ट भाषा में है, पदावली जो है वह मानी जाती है मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये आपके लिए पंक्ति बताने किस रासु काव्य की मानी जाती है, 30 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 30वां क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, और परमाल रासो की प्रसिद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं, पूछी जाती हैं। बरस 18 जो है, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आलाखंड की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, 31 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। पुष्पा जी, सिमानी जी, सभी लोग बताते जाइएगा, दिनेश जी क्या होगा सही आंसर, पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत, सभी लोग बताइए, लाइक भी करते जाइए। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, डिंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वीर आदिकाल में वीर रस की रचना में डिंगल या भाषा या शैली का प्रयोग हुआ है, यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनती है, आपके लिए पहले ही बता चुके हैं, डिंगल जो है बनती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से, जबकि जो पिंगल है, पिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से बनती है, सॉरी अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा से, कौन सी पिंगल और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से डिंगल। शब्दानुशासन के लेखक बताना है कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया 32, रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, सरयपाद हैं, शंभू हैं, कौन माने जाते हैं, सभी लोग चयन करिएगा। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और हेमचंद्र जिन्होंने भी विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका सही आंसर है, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश इसमें किया गया है। खालिक बारी किसकी रचना मानी जाती है, खालिक खलक की है, रहीम जी की, अमीर खुसरो, अकबर। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, खालिक बारी बताना है,
किनकी रचना मानी जाती है? आशा जी, कल्पना जी, अमीर खुसरो। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, खालिक वारी जो है कोश ग्रंथ। दो सुकने हालाते कन्हैया नजरान, ये हिंदी पहेलियां मुकरियां गजल आदि जो है अमीर खुसरो की रचनाएं मानी जाती हैं। अब अमीर खुसरो से तीन क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और खड़ी बोली के आदि कवि और प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? तो अमीर खुसरो। ये तीन कवि, ये तीन क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। अब भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, ग्रियसन ने, श्याम सुंदर दास ने, गुलेरी ने, भारतेंदु जी ने। तो बताइएगा भ्रंश को पुरानी हिंदी क्या होगा सही आंसर? सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे और सभी लोग बता रहे कि गुलेरी जी ने, किन्होंने, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ये अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले अगर कहा है तो भाई कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? सही है विशल देव रासो नरपति नाले, खमाण रासो जगने, विजयपाल रासो चंदबरदाई, परमाल रासो दलपति विजय। तो ये आपके लिए यहाँ पर संगत यानी कि सही युग्म का चयन करना है, कौन सा युग्म सही है चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, और भीषल देव रासो तो नरपति नाल्य का माना जाता है, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बाकी के आपके यहाँ पर सम्मिलित तो नहीं है। बात करें खुमाण रासो की, तो यहाँ पर देखिए जो खुमाण रासो ग्रंथ माना जाता है भाई किनका माना जाता है? दलपति विजय का माना जाता है। विजयपाल रासो माना जाता है किनका? नल्ल सेन का। परमाल रासो जगनिक का माना जाता है। तो सुमिलित यहाँ पर एक ही है, वो है विशल देव रासो है जो कि नल्ल सेन का ग्रंथ माना जाता है। राहुल बेल किसकी रचना मानी जाती है? ये क्वेश्चन नंबर आपसे 36 पूछ लिया गया है, 36 में सही आंसर चयन करना है। चंदबरदाई, रोडा कवि, दामोदर शर्मा, शंभू। तो क्या होगा सही आंसर चयन करिएगा 36 में, बताइएगा। राहुल बेल किसकी रचना है? रोडा कवि की रचना है, अभी अपन ने सुमिलित कहीं किया था एक जगह, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रोडा कवि बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर 37वां क्वेश्चन दिया है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायण से किसने मानी है? देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके लिए बता दें कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति, तो जिसमें रासो शब्द की उत्पत्ति रसायण से मानी है गारसदा तासी ने, पंडित राम नारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या हरप्रसाद शास्त्री ने। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, सी वाला विकल्प। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, राजस्व से गारसदा तासी, राजयस से हरप्रसाद शास्त्री, और रासक से भी पूछा जाता है नरोत्तम स्वामी, और रास से नंद दुलारी वाजपेयी मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा गया है 38 में, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ए वाला विकल्प, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर, ये वाला आपका सही आंसर है। देखिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना शालिभद्र सूरी की है, प्रकाशन वर्ष है। स्थूलीभद्र रास का प्रकाशन 1219 है, जन्धर्म सूरी। नेमिनाथ रास 1213 इसका प्रकाशन सुमति गढ़ी, और संगीत रत्नाकर, कई कई लोग ने तो ये जो है पहली बार पढ़ रहे होंगे, संगीत रत्नाकर सारंगदेव की रचना है, ये 13वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था। पयोमचर्यु किसकी रचना है बताइएगा? पयोमचर्यु पढ़ी होगी पहले संगीत रत्नाकर, लेकिन याद नहीं होगा, ये भी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पयोमचर्यु किनकी रचना मानी जाती है पूछा गया है, अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंदबरदाई। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 39 पूछा गया है, 39 में आपका सही आंसर है, इतना सरल क्वेश्चन, स्वयंभू की रचना है पयोमचर्यु रामकथा और पर आधारित, रट्टानेमी चर्यु हरिवंश पुराण कृष्ण कथा पर आधारित, और स्वयंभू छंद जो है जैनाचार्य स्वयंभू की रचनाएं मानी जाती हैं। अपभ्रंश का कवि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किनको? स्वयंभू जी को।
क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहां पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर दिया गया है, देखिएगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। किस कवि की कौन सी रचना, यहां पर कूट भी दे गए हैं, इन कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। तो देखिएगा यहां पर आपके लिए क्या करना है, यहां पर देख लें कूट और ज्योतिष और ठाकुर, तो वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है। वर्णों को अपन को ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में ज्योति से ज्योतिष और ठाकुर। दामोदर भट्ट की रचना मानी जाती है कौन सी, तो इनकी रचना कौन सी मानी जाती है, दामोदर भट्ट की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नल्ल सेन की रचना कौन सी मानी जाती है, तो बीसल देव रासु। डोडा कवि की रचना राहुल बेल जो है, रोडा कवि की रचना मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रीमा जी तन्मय जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 41 यहाँ पर पूछा, पुष्पतंत जी जो हैं किस शताब्दी के माने जाते हैं, किस शताब्दी के कवि हैं, 8वीं 7वीं 10वीं 11वीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 11 सॉरी 41 पूछा गया है, 41 में बताइए, बताइएगा 41 में क्या होगा सही आंसर। पुष्पतंत किस शताब्दी के कवि हैं, तो ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। पुष्पदंत का विरवा 1972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत अपभ्रंश के माँ कवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और शिवसेन सेंगन्ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है, तो इन्होंने शिवसेन सेंगन्ने। पुष्पदंत की रचनाएं प्रकाश रचनाएं जो है तीन रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण इसमें कुल 102 संधियां हैं, जसहरचर्यु इसमें 4 संधियों में पूरा, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र, उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन हुआ है, और लय कुमार चर्यु इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, ने स्वयं को कहा है अभिमान मेरु। अगर पूछा जाए स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे, पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 42, दुआ कोश किसकी रचना मानी जाती है। 42 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दुआ कोश उन्हीं की रचना मानी जाती है जो 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कौन, सरायपा। विकल्प नंबर आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, सरायपा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये 8वीं शताब्दी के कवि, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और यहाँ पर सिद्धों में भी प्रथम कवि माने जाते हैं, सरहपा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 43 पूछा गया है, रचना काल की दृष्टि से इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है बताइए, बिल्कुल दिनेश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, रचना काल की दृष्टि से पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी रचना आएगी, तो आप सभी का सही आंसर है कुबलय माला कथा आएगी सबसे पहले, उसके बाद राहुल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगला क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। ये आपके लिए बताना है कि कौन सी कृति किस कवि की है, कई बार अपन सम्मिलित कर चुके हैं, वही वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वयंभू की रचना कौन सी मानी जाती है, तो स्वयंभू की तो पय्यमचर्यु रचना मानी जाती है। बात करें पुष्पदंत की, तो पुष्पदंत की रचना कौन सी मानी जाती है, पुष्पदंत जी की रचना मानी जाती है महापुराण। अब्दुल रहमान जी की संदेश रासक रचना है, तो सबरपा की रचना मानी जाती है चर्यापद। कौन सी, चर्यापद मानी जाती है। राहुल बेल के रचनाकार तो रोडा कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कूट में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 आज का चैलेंज प्रश्न, तो सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए इसका आंसर। सरयपा का संबंध निम्न में से किससे, दत्त तेरी की। इतना सरल क्वेश्चन सभी से बन जाएगा, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सरयपा का संबंध किस साहित्य से है, आपके लिए इसका आंसर कमेंट में लिखना है। आपको 3000 प्रश्नों की पीडीएफ, टॉप 3000 प्रश्न जिनके लिए भी चाहिए हो, तो भाई आप कमेंट जो है नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लें। 199 रुपये की पीडीएफ अभी आपके लिए मिल जाएगी, टॉप 3000 प्रश्न की।
तो सभी लोग जो है उस पीडीएफ को जो ही परचेस करना चाहता है संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अनिल जी एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। सुनैना जी, सुरेंद्र जी, रीमा जी, नीता जी, टमाटर जी, आशा जी, मनोज जी, अनीता जी, मुकेश जी, नामवीर जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, तन्मय जी, दिनेश जी, विशाल जी और तनु जी, सुनैना जी, मुकेश जी, बिंदु जी, प्रीति जी, नीलम जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, रीमा जी, वंदना जी, गोलू जी, अर्चना जी, मेधा जी, लवली ठाकुर जी, राखी जी, रजनी जी, पुष्पा जी, सुंदरिका जी और अपर्णा जी, नीलम जी, रीमा जी, हरीश चंद्र पटेल जी, अनीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी और रजनी जी, दिनेश जी, बिंदु जी, वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल है अपना संडे के लिए, आपके लिए बता दें संडे को जो है अपनी क्लास है कौन कौन सी ऑफ रहती हैं। तो सुबह 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी संडे को, 2 बजे वाली नहीं होगी, 4 बजे वाली नहीं होगी, ये 3 क्लास नहीं होंगी। और जो अपनी अब 7:30 बजे चलती थी वो 8 बजे होने लगी। तो 8 बजे वाली क्लास से जुड़िएगा सभी लोग शाम को, संडे को। और रात्र में 10 बजे वाली होती ही है। नीलम जी, वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोलू जी बिल्कुल, सभी के लिए लाइक शेयर अवश्य कर लेना है जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।